विधाता, हे देवाधि देव महादेव, ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरी बड़ी महारानी उस चंडाली के लिए अपने हाथों से गोबर सजा रही है, और मैं इसे मौके पे कैसे कहूंगा महारानी तुम इस हवेली को छोड़ करके वनवास चली जाओ। हाय परला विपतिया है रानिया, लाख समझाया था मैं तुम्हें। क्या हुआ स्वामी जी? मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन तू मुझे शादी करवा करके अच्छा नहीं किया। आप शादी करके नहीं आए क्या महारानी? ना जाने आज विक्रमपुर शहर से शादी करके मैं वापस आ रहा था। अपने सीमान पर आने के बाद छोटी महारानी मुझे डोली को रोकने को कहा जी। और मैं डोली को रोक दिया। डोली को रोक देने के बाद छोटी महारानी मुझे पूछा, महाराज आप बताइए कि आपके महल में और कौन सब सदस्य हैं? मैं उसे बता दिया, नौरी बानी महामंत्री एक बड़ी महारानी है। बस महारानी वो चांदादिल पानी प्यास का बहाना बना करके मुझे पानी मंगवाया मुझसे, और जब मैं उसे पानी पीने के लिए देने लगा तो उसका कहना हुआ, महाराज आप पहले मेरे साथ में सत कीजिए। क्या? और महारानी ने उसे नई नवेली देख करके उसके साथ में सत कर लिया। सत कर लेने के बाद वो चांदादिल पानी को पीने के बजाय उठा करके जमीन पे फेंक दिया, और उस चंडालन का कहना है कि तुम्हें इस हवेली से 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिया जाए। नहीं! ए कैसन बोलिया कि स्वामी जी यहां कोई रास लीला नहीं।
मैं तो तुम्हारे कहने के अनुसार बड़ी महारानी को समझा रहा था। जरा देखो, जरा देखो मेरी बड़ी महारानी को, जो तू अपने मन में सोच ली है महारानी, ये वैसी नहीं। स्वामी जी, इस हरामजादी कुत्ती को छूते हैं वो मेरे सामने, क्या मैं इनसे देखने में खराब लग रही हूँ? नहीं महारानी। क्या इसे देखने में अच्छी नहीं लग रही हूँ? महारानी, मैं तुम्हें ये नहीं कहता हूँ तो फिर क्या? देखने में सुंदर नहीं, लेकिन जरा सोचो। क्या मैं सोचूं? सोचो अपने दिलो दिमाग से। अरे हट जाइए। निकाल दोगी बड़ी महारानी को तो कहाँ जाएगी ये बिचारी? मैं तो कहता हूँ रहने दो इसे, इसी हवेली में पड़ी रहेगी जाकर के, हवेली के किसी कोने में पड़ी रहेगी ये हरामजादी कुत्ती। ये जाइए, आप चले जाइए यहाँ से, यहाँ से जाइए, वरना मैं धक्का मार के मैं यहाँ से भगाऊं। महारानी ऐसा मत करो। अरे जाइए। अरे ऐसा मत करो महारानी, क्यों पागल बन रही है महारानी? जल्दबाजी में आवाज लगाइए। महारानी जी। हाँ। मैं अपना गहूम दौनी कह दिलिए। ओ बाबू भितरी में लागलो। सही तो। आई मार। जाइए। अभी हम आवाज लगा रहे हैं। ये नौरी है के, ये छोरी के, ये नौरिया।